अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, डोडा बर्फी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है, स्वीट है। और इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, भारी पैदे की तो कढ़ाई है, और इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी डाल दें ताकि दूध लगे नहीं नीचे। और इसके बाद इसमें मैं 1 kg के करीब दूध डाल दूँगी, फुल फैट क्रीम है ये। इसको डाल दें कढ़ाई में, और मैंने ये उबला हुआ दूध था और उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है तो मैंने ये भी इसके अंदर डाल दी, और बाकी का सारा दूध भी इसके अंदर डाल दिया। 1 kg के करीब दूध है ये, आप देख लें। और इसको रख देंगे हम उबलने के लिए गैस के ऊपर। और अब मैंने ये ले लिया है दलिया, 4 से 5 चम्मच के करीब ये दलिया है। और इसको अच्छे से पहले प्लेट में साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद इसको मैं दूध में डाल दूँगी। अब मैं यहाँ दूध गैस पे रखने के बाद इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने 200 ग्राम से थोड़ी सी कम डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। और ये दलिया मैंने वॉश करके डाल दिया है इसके अंदर अच्छे से। अब इसको लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएँगे जब तक ये दलिया और इसका क्वान्टिटी हाफ नहीं हो जाती। अब जितने ही दूध उबल रहा है इतने मैं ये दही ले लूँगी, ये देख लें 4 से 5 चम्मच के करीब ये दही है, और फ्रेश दही है ये, खट्टा दही नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें मैं डाल दूँगी 3 चम्मच के करीब, जो टेबलस्पून होता है वो देसी घी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो दूध में उबाल आ चुका है, पक रहा है, इसके अंदर डाल दूँगी। इसको डालने से क्या होगा कि हमें ये जो दूध है ये छेना जैसा दिखाई देगा, मीन्स फटेगा भी नहीं, और ये अच्छे से छेना जैसी लुक आ जाएगी इसकी, जैसे हमने छेना डाला हो इसके अंदर। लेकिन आप टेंशन ना लें, इसमें दही का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने का, बस एक दूध का जो छेना वाला फ्लेवर है वो आ जाएगा, टेक्स्चर छेना वाला। अब इसको लगातार चलाती रहूँगी, और जो थोड़ा सा बच गया था वो भी ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर, और इसको लगातार चलाते रहें कि लगे नहीं बीच बीच में, साइडों से स्क्रैप करते रहें। बहुत इजी है बनानी, जल्दी से बन जाती है, और बस दूध को की क्वांटिटी कम होने में टाइम लगता है, बाकी ये बहुत जल्दी बन जाएगी। अब देखें, ये दिख रही है ये छेना जैसी, ये इस तरह से हो जाएगा जैसे हमने इसके अंदर खोया या छेना डाला हो, तो इस तरह से ये दही का फायदा होता है डालने से। अब ये देखें, ये कम से कम आधा हो गया है दूध पकते पकते, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच घी और डाल दूँगी। टोटल मैंने इसमें शायद 6-7 चम्मच के करीब घी डाला था, और कुछ काजू पिस्ते बादाम की कतरन है वो डाल दूँगी, थोड़ा सा कोकोनट है वाइट, मैंने उसका ब्लैक पार्ट जो होता है वो निकाल दिया था, और उसको कद्दूकस कर लिया था वाइट पार्ट को, जो वो है जो सूखा नारियल होता है अक्सर घरों में वही है। और अब मैं कलर के लिए डालूंगी कोको पाउडर, इसमें कोको पाउडर का टेस्ट नहीं आएगा, और थोड़ा सा डालूंगी मैं रेड फूड कलर, 2 पिंच के करीब ये रेड फूड कलर है, ये डाल देंगे। और इसको पानी से एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे पानी से, वही डोडा वाला कलर आ जाएगा इसका, डोडा बर्फी का जो कलर होता है, ये बहुत हेल्दी बर्फी होती है, आप इसको जरूर ट्राई करें घर में और अपना फीडबैक दें मुझे। ये देखें पकते पकते कितना गाढ़ा हो चुका है ये, अभी और पकेगा ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा ये, मिक्स पता नहीं चलेगा इसके अंदर दलिया है क्या है, ये बहुत अच्छी टेक्स्चर के साथ बन जाएगा ये। और कलर मैं इसमें देखूंगी, अभी मैंने आधा डाला है, और देखूंगी कलर इसका अगर लाइट है तो फिर मैं पूरा डाल दूँगी, अभी मुझे लाइट लग रहा है तो मैं इसमें पूरा डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया था कोको पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का ले लें, अच्छा ब्रांड हो बस। और इसको पकने दें लगातार चलाते हुए, बीच बीच में हिलाते रहें और लगे नीचे, बस इस बात का ध्यान रखें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, बाकी आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाली थी हरी इलायची, और लास्ट में केवड़ा एसेंस डाला था।
इसकी पहचान ये होगी, इसको ठंडा करके प्लेट में करके देख लें, अगर ये थोड़ा सा गोल बन रहा है बिल्कुल लड्डू की तरह हाथों से, तो ये बिल्कुल पक्के तैयार है। बाकी आप, मैंने देखा था तो ये ठीक हो गया था, तो इसी तरह मैंने प्लेट में घी लगा लिया और इसको प्लेट में मैं आप डाल दूँगी, इसका सारा बैटर जो बन गया है ये। अच्छे से इसको ग्रीस कर लें प्लेट को और इसमें ये सारा बैटर डाल दें, इसको साइडों से अच्छे से मिक्स कर लें। मतलब ये आपको बर्फी की शेप देनी है, तो बर्फी की तरह इसको कर लें और ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं काजू बादाम पिस्ते के साथ में, और थोड़ा सा कोकोनट है इसके साथ, इसको गार्निश कर लें। और या तो 2-3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, नहीं तो इसको बाहर एक प्लेटफॉर्म पर छोड़ दें, तो ये बहुत अच्छे सेट हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी सेट हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई थी, बस मुझे काट के दिखाना था आपको, ये बहुत सॉफ्ट बनी थी ये देखें। और आप इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें तो ये बहुत पूरी तरह से सेट हो जाएगी। मैंने इसमें कट लगा दिए हैं और थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी किस तरह से बनी थी। आपको जो शेप देनी हो वो दे सकते हैं, मैंने इसको स्क्वायर पीस में कट किया था। आपको काटने से पता चल गया होगा ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। मैं साइड का एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, ये किस तरह से तोड़ने के बाद कितनी सॉफ्ट है, ये देखें कितनी मज़े की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।